Hello friends, I am Priyavratapati. Welcome to our channel New Light Institution. Aji bohuti important video mu record koriyaku jauchi. Au e video ta khas kari BSc board ro 10th class student ko pai bahut joruri. Kahi na ethere mu strategy discussion koruchi. Jo mane ki which student achanti 50 45 student achanti se mane 7 days bhitare तांकर जेहेतु परीक्षा पाखी आसलानी प्री बोर्ड एग्जाम तो 7 डेज भितरे से माने स्कोर करिया चाहुनी 60% स्कोर प्लस तेन करी एही गुडी स्ट्रेटजी गुडी को फॉलो करिया बहुत आवश्यक आ ये स्ट्रेटजी बहुत सहज या पा टाइम मैनेजमेंट बहुत दरकार तेन करी वीडियो स्टार्ट करबलु कहि जाउची तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस तेन करी आपन को यदि सक्सेस पायर अछि यदि आप 60% प्लस स्कोर करियर अच्छी देन आपको टाइम मैनेजमेंट करिया को पड़ो टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल यदि आप अर्ली मॉर्निंग रे 2 आवर कि 1.5 आवर दे पारे देन आपणकर चलुची देन तापर जो मैंने कोचिंग जाऊँगी पिला से मानकर जो मैंने कोचिंग न जाऊँ भी तांको पई आहुरी बढ़िया तांको पई आहुरी 3 आवर आड हे जीव देन आपन को मॉर्निंग आउ करे 5.5 घंटा 5.5 आवर मिल जीव प्लस आफ्टर द स्कूल 4टा बळे 4टा रु आपन फ्रेश हे की आपन 5टा रु स्टडी स्टार्ट कर परिवे तो 5 to 10 तो 5 टू 10 अगेन आपन को 5 आवर रो गोटे टाइम गैप मिलला तो एठी आपण देखि परथिबे आपण को मोर ओवर डे पिछा 10 आवर रो गैप मिलुछ तो एई 10 आवर मध्य रे आपण केमिते एक भलो प्रिपरेशन करि परिबे प्री बोर्ड एग्जाम 1 पे जोटा कि हम प्रीटेस्ट परीक्षा कहू मु से जिंस पर डिस्कशन करे चाहू छी तो एबे आमे ए वीडियो रे पार्ट 1 वीडियो रे आमे एफएलओ जहाँ की साहित्य और एसएल जहाँ की इंग्रजी विषय डिस्कशन करवा तो आम प्रथम जाने रखा जो सिलेबस कौन साहित्यर आप देखिपे साहित्यर सिलेबस पद्यर मंगले ऐला उषा और गद्यर नरेन्द्र विवेकानंद पर्यंत आसव गल्पर कालर कपोल तले और व्याकरण अनुवाद प्रकरण मध्यम आसव यार एग्जाम पैटर्न विषय भी कही रखुच्छे ओटीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क पड़ो जेहेतु आम जाचे जे ए वर्ष आम सिलेबस चेंज हो तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो तो 50 मार्क ओटीक्यू रु ग्रामर आपण पड़ो विषय 25 मार्क ओ सब्जेक्ट बाकी आपण जितक विषय रहा विषय रु 10 मार्क विषय ग्रामर और 15 मार्क विषयर ऑब्जेक्टिव पड़ो तो 25-25 दुहे मिसी 50 मार्क्स है देन सब्जेक्ट सब्जेक्टिव रु आपण 50 मार्क विषयर सरार्थ पद्य विभाग रु गोटे और गद्य विभाग रु गोटे तो 5 + 5 = 10 मार्क देन लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन पद्य विभाग रु गोटे गद्य विभाग रु गोटे तो 14 मार्क्स तो से भाव बर्तमान जदि आम इंग्रजी सिलेबस विषय आम बर्तमान देखा तो आपण एवं बर्तमान देखिपे तो इंग्रजी सिलेबस रे प्रोज कपिल देव पोएट्री दि ब्रुक नॉन डिटेल टेक्स्ट दि विलेज चर्च ग्रामर नाउन क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज यार बेसी इम्पोर्टेंट होउची ओटीक्यू कारण आम समस्ते जाचे सब्जेक्टिव रे 2टी ही लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो सेल भी प्रोज रु 5 + 5 = 10 आउ रेस्ट इज समरी पैसेज रिपोर्ट राइटिंग एप्लीकेशन देन एसे तो विषयर लॉन्ग क्वेश्चन 5 + 5 2टी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ता भितरु आपणकर 10 मार्क रो पड़िबो नेक्स्ट 40 मार्क
लॉन्ग आपनकर एप्लीकेशन रिपोर्ट समरी पैसेज एंड एसे ऑब्जेक्टिव होउछि इंग्लिश रो इंग्रजी रो ऑब्जेक्टिव होउछि बहुत इंपोर्टेंट कैन ऑब्जेक्ट रो सब्जेक्ट विषय गुडी को भितरु आसीबो 25 मार्क रे आसीबो ऑल ओवर ग्रामर रो ऑल ओवर 25 आसीबो 25 कोन जे प्योर ग्रामर जहा कि आपनकर ग्रामर पार्ट रो आसे सेथिरु 15 मार्क्स आसीबो आउ बाकी 10 मार्क आपणकर विषय ग्रामर रु आसीबो आपणको विषय टेक्स्ट रु आसीबो विषय रे देथिबो यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोडा कि आपणकर एई विषय मानको मध्य रु क्वेश्चन टी वाक्य गुडी को चूज करा जाइथिबो तो सेगुडी को ग्रामर मध्य रे जाउची किंतु से माने एई ग्रामर पार्ट रे 10 मार्क विषय रु से माने पिक करिवे तो ये थिला एग्जाम रो फुल डिटेल आमे प्रिपरेशन कि भली भाबरे करबा देखंदु आम पाखरे जदी 10 आवर रो समय रहूची देन आम पाखरे मोर ओवर 7 डेज अछि देन आम पाखरे 70 आवर रहला एठी देखंदु 7 डेज आपणकर एग्जाम रो लास्ट 2 डेज को लेफ्ट कर देबे आपण 5 डेज पे प्रिपरेशन करिवे तो 5 हेले तो 50 आवर रो प्रिपरेशन हेबो तो 50 आवर ए प्रिपरेशन कोन पे ना एई 50 आवर ए प्रिपरेशन रे आपण 6 सब्जेक्ट को कवर करिवे 6 सब्जेक्ट आउ जो रेस्ट 2 डेज रहला ए 2 डेज रिजर्व रहिबो एफएलओ ओ एसएलई पई फास्ट 2 सिटिंग कोन पई मोडा भलो भाबरे बुझे दउची प्रथमे देखंतु एथेरे जो एफएलओ आ एसएलई एई 6 सब्जेक्ट मध्य रे भी इंक्लूड अछि किंतु एई 6 सब्जेक्ट रे ए जो 5 डेज रे प्रिपरेशन रे एफएलओ आ एसएलई रो 70% रो प्रिपरेशन करिवे एंड रेस्ट 30% ऑफ प्रिपरेशन आपण ए लास्ट 2 दिन रो करिवे जोटा कि सबुठी इंपोर्टेंट पार्ट तो ए जिंस को ध्यान रो सहकार बुझंतु बाकी जो रहिला मैथमेटिक्स ओ अदर सब्जेक्ट रो एटा भी डेली करा जिवो आ ए सब जिंस को आपण ए 50 घंटा रे सारिवे आपण 70% कवर करिवे एफएलओ आउ एसएलई रो ए 70% कवर करिवे देन 30% काम आसीबो लास्ट 2 डेज तो ए जो 30% बहुत इंपोर्टेंट जो माने आशा रखुचंती ए प्री बोर्ड एग्जाम 1 रे 60% स्कोर करिया पे देखंदु ए जो 5 डेज रे एग्जाम रहला आपणकु डेली बेसिस रे 70% मध्य रे 2 मार्क्स आउ 3 मार्क्स आसीबो जेहेतु आमे एबे डिस्कशन करूचे एफएल ओ एसएल एथरे कोनोसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स नाही एथरे हमरो सब्जेक्ट रे केवल लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये लॉन्ग क्वेश्चन ही अछि देन पैसेज समरी एप्लीकेशन सबुठार बेसी इंपोर्टेंट हेउची लॉन्ग क्वेश्चन आपण ए जो 70% प्रिपरेशन रे 5 डेज प्रिपरेशन रे लॉन्ग क्वेश्चन एसे आउ एप्लीकेशन ए तीनोटी जिनस को कवर करिवे कारण ए तीनोटी जिनस को आमे प्रिपरेशन करे जाई परिवा किंतु पैसेज आउ समरी ए दुईटी जिनस आमे एग्जाम टाइम रे पाइबा आमे केवल तार प्रैक्टिस ही कर परिवा तो ए 2 डेज रे पैसेज आउ समरी रो प्रैक्टिस हबो आउ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रो ऑब्जेक्टिव ए जो सब्जेक्ट रो ऑब्जेक्टिव देन ए जो 5 डेज जो रहिला ए जो 50 आवर्स रहिला ए 50 आवर्स रे एफएलओ आ एसएलई रो ग्रामर रो ऑब्जेक्टिव आउ लॉन्ग क्वेश्चन जति को आपन लॉन्ग क्वेश्चन रहला एफएलओ पई लॉन्ग क्वेश्चन रहिला सरलार्थ आउ गद्य आ इंग्लिश पई लॉन्ग क्वेश्चन रहिला 2 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज तो आपण बुझी पारथिबे माउथरे क्लियर करनौची
50 by 1 प्रिपेरेशन रे ए दुईटी सब्जेक्ट रो 70% हेबो 70% कौन कौन सेगुड़ी को हेउची ग्रामर कारण ग्रामर डेली प्रैक्टिस न कले आमे बुझी परिबा नै या पई बहुत समय दरकार तो ग्रामर आउ विषय रो लॉन्ग क्वेश्चन आउ साहित्य पई ग्रामर आउ विषय रो लॉन्ग क्वेश्चन एटा होची 70% प्रिपरेशन 30% प्रिपरेशन कोन दरकार लास्ट दुई दिन रे आपण देखिबे सब्जेक्ट रो ऑब्जेक्टिव दुहे एफएलओ आउ एसएलई रो आउ आपण कर एसए इम्पोर्टेंट एसए तो एगुडी को आपण देखिबे लास्ट दुई दिन मध्य रे एई दुई दिन मध्य रे केवल एफएलओ आउ एसएलई रो ही स्टडी हबो अन्य सब्जेक्ट उडी को छाडी देबे तो अन्य सब्जेक्ट उडी को आपण फिनिश करिवे 50 आवर्स रे तो एटा थिला एफएलओ आउ एसएलई रो फुल प्रिपरेशन आपण जदि इंग्लिश रो भलो स्कोर करिया को चाहुचन ग्रामर रे देन देखंतु फ्रेजल वर्ब रो आपणकर प्रिपोजिशन रो कोनोसे शॉर्टकट नाही तार प्रतिटि रूल्स को आपण को बुझिया को पडिवो किंतु फ्रेजल वर्ब रो निजर मीनिंग्स उडी को अछि तो बही रे जेतिक फ्रेजल वर्ब अछि ताको घुसी दियंतु आ ताको तार एक्टिविटीज उडी को बारंबार देखंतु आउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ए विषय जेतिक रूल्स जेतिक बही रे देथिबे एग्जांपल एक्टिविटी को भलो गुडा देखितांतु आउ आपनकर टाइम एंड टेंस तो ए विषय रे भी सब रूल्स आउ एक्टिविटीज उडी को भलो भाबरे देखंतु तो एतिकी कले आपणकर ग्रामर पार्ट आपण इजिली कवर कर परिवे तो एथरे कोनोसे प्रकार असुविधा नै एज वेल एज एफएलओ रो मध्य ग्रामर पार्ट आपण इजिली व्यवहार कर परिवे जदि आपण बही रे देथिबा एग्जांपल आ बही रे देथिबा एक्टिविटीज जहा कि आपणकर अनुसरणीय अछि ताकु जो क्वेश्चन आन्सर जदि भले के देखि परिवे तले आपण ग्रामर पार्ट इजिली कवर हे परिवो ता आपण एइधरे आपण ऑब्जेक्टिव पार्ट रे दुहे एफ ग्रामर केवल ग्रामर कथा कहूँ साहित्य ओ इंग्राजी आपण 50 आराम रे 40 आनीपरिवे इजिली बहुत इजिली आनीपरिवे किंतु एठी आपणकर पेशेंस दरकार टिके कंसंट्रेशन दरकार आउ दरकार टिके कॉमन सेंस हेले आपण 50 बहुत आराम रे 40 आनीपरिवे एथरे कोनोसे प्रकार असुविधा नै आ रेस्ट रहले आपणकर सब्जेक्ट एसे सबुबेले आपणकर नाइट रो प्रिपेरेशन सरला बेळकु एसे प्रतिदिन गोटे गोटे पर डे वन एसे फ्रॉम इंग्लिश एंड ओडिया एसे गुडीकु आपण प्रैक्टिस करंतु आ सकाळ सकाळ उठी मॉर्निंग टाइम रे आपण विषय रो मैथमेटिक्स डेली प्रैक्टिस करंतु आ संपूर्ण विषय रो 2 marks 3 marks ऑल्स माने अपार्ट फ्रॉम एफएलओ एंड एसएलई आउ मैथमेटिक्स 2 marks 3 marks को भल भाव कवर करूँ एग्जाम पूर्व तार ऑब्जेक्टिव गुड़ को देखिक जी तो यहाँ थिला आमर प्लानिंग आमर स्ट्राटेजी पार्ट 1 फॉर एफएलओ एंड एसएलई तो आशा करे आपण ए स्ट्राटेजी गुड़ को भल भाव बुझी पारे आपण जदि ए स्ट्राटेजी को आपण अप्लाई करिवे देन आपणकर 7 days भितर जो मानकर कम स्कोर अछि आ जो मानकर अधिका स्कोर अछि मध्य सेमाने तांको मार्क रे 10% रा आड आन परबे बहुत इजीली तो एतिक रे मासा करे आपन वीडियो उडी को भल लागितबो जदि आपन वीडियो उडी भल लागि थाए देन आपनकर फ्रेंड्स मान संग शेयर करंतु आउ जदि आपन ए चैनल को सब्सक्राइब कर नथिबे त सब्सक्राइब करंतु कारण नेक्स्ट पार्ट रे एटा पार्ट 1 रे दुटी सब्जेक्ट नेक्स्ट पार्ट रे मु मैथमेटिक्स आउ अदर सब्जेक्ट विषय रे डिस्कशन करबी बहुत जल्दी Then I am signing out now. Thank you.